जब कोई भी ब्राह्मण आत्मा संकल्प, बोल और कर्म से बेहद में रहती है तो वो विशालता को धारण कर लेती है, क्योंकि एक एक संकल्प उसके बेहद के हैं कि मैं आत्मा इस सारी सृष्टि को बदलने के लिए मैंने सर्वशक्तिवान बाप का साथ देने का निश्चय किया है। कितनी विशालता है, कितनी बेहदता है। एक एक बोल में विशालता होती है कि एक एक बोल मेरे वरदान बनने वाले हैं, एक एक बोल किसी को सुख देने वाले हैं, एक एक बोल एक एक आत्मा के दिल को आराम देने वाले हैं। कितनी विशालता, तो एक एक बोल में विशालता बढ़ती जाती है, अर्थात आत्मा बेहद में पहुंच जाती है। ऐसे ही एक एक कर्म, कि मेरे एक एक कर्म को सारी दुनिया कॉपी करने वाली है, सारी दुनिया फॉलो करेगी। जो कर्म मैं करूँगा, मुझे देखकर एक एक आत्मा उसको धारण करेगी और उस अनुसार चलेगी। मेरे एक एक कर्म आधार है नई दुनिया को चलाने का। तो कितनी विशालता आत्मा में आ जाएगी ना, ऐसी ही विशालता ब्रह्मा बाप में बेहद में थी। स्वयं को तो नशा रहता ही था कि मैं कृष्ण बनने वाली आत्मा हूँ या मैं नारायण बनने वाली आत्मा हूँ, लेकिन कोई भी ब्राह्मण बच्चे के सामने आते थे तो ब्रह्मा बाप को उसी ऊंची नज़र से वो बच्चों को देखते थे कि ये भी एक एक ब्राह्मण बच्चे ठाकुर हैं, एक एक बच्चे मेरे ईस्ट हैं अपने अपने भक्तों के। तो बहुत ऊंची नज़र से ब्रह्मा बाप एक एक बच्चों को देखते थे, और यही विशालता, यही बेहद की नज़र बच्चों में भी भर जाती थी। वो भी एक दूसरे को बहुत ऊंची नज़र से देखते कि ये आत्मा ईस्ट बनने वाली है, और सामने वाला भी उस आत्मा को देखकर कहता, हाँ ये भी ईस्ट बनने वाली आत्मा है। तो नज़रों से निहाल हो गए ना। ये विशालता ब्रह्मा बाप में पहले दिन से थी, और शिव बाबा की प्रवेशता जब 1936 में हुई तब से तो बेहदता में फैलती गई, लेकिन ये संस्कार ब्रह्मा बाप में पहले से ही थे। जब अंग्रेजों का राज्य चल रहा था और ब्रह्मा बाप बनारस में स्नान करने गए थे तो सारे परिवार को साथ में ले गए थे। नए नए बहू आई थी घर में, उनको भी ले गए और बच्चों को भी ले गए। तो जब ब्रह्मा बाप स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए गंगा में प्रवेश किया, और ब्रह्मा बाप गंगा में प्रवेश करते ही इतने भक्ति भाव में खो गए कि बहुत आगे तक पानी में निकल गए, और करीब करीब खाली सिर ही ऊपर था, बाकी सारा शरीर पानी के अंदर, और हाथ बाहर निकालकर सूर्य की पूजा कर रहे थे। तो एक पुजारी ने जोर से देखा कि ये बहुत बड़ा कोई अमीर व्यक्ति है और अच्छी दक्षिणा दे सकता है, तो वो भी पानी में उतर गया और वो ब्रह्मा बाप तक पहुंच गया। और ब्रह्मा बाप को देखते ही उसने कहा, यजमान आपने तो कमाल कर दी है, बहुत आगे तक आ गए हो, और आपको देखकर मैं भी आपके पास पहुंच गया,
आप में एक अजीब सी खींच है, तो ब्रह्मा बाप देखने लगे, क्योंकि उस समय ब्रह्मा बाप बहुत भक्ति करते थे। तो उन्होंने जब पुजारी को देखा तो उन्होंने पुजारी को भी बहुत ऊंची दृष्टि से देखा, और पुजारी ने कहा, यजमान, पानी में अगर दक्षिणा दी जाए तो उसका पुण्य बहुत मिलता है। ये उस पुजारी की युक्ति थी ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा लेने की। लेकिन ब्रह्मा बाप तो इतने भक्ति में खोए हुए थे कि उन्होंने अपनी कंठी में प्लास्टिक की थैली खोली और प्लास्टिक की थैली में से 1,000 रुपये का बड़ा नोट निकाला और उसने यजमान को, यानी उस पुजारी को, यजमान की भेंट समझकर दे दिया। और पुजारी तो उस नोट को देखता ही रहा, देखता ही रहा, क्योंकि उस जमाने में आने दो आने में, 1 रुपये 2 रुपये में पूरे हफ्ते का सामान आ जाता था। उस जमाने में 1,000 रुपया का नोट देना एक बहुत बड़ी बात है। तो वो पुजारी तो गदगद होकर उस नोट को लपेट लपेट कर अपनी प्लास्टिक की थैली में रखकर आने लगा, और धीरे धीरे ब्रह्मा बाप का हाथ पकड़कर किनारे पर आने लगा, और पूरा परिवार किनारे पर ये सारा दृश्य देख रहा था। तो विजेंद्रा दादी, जो उनकी बहू थी, उन्होंने देखा कि ब्रह्मा बाप ने 1,000 रुपये का नोट उस पुजारी को दिया। तो विजेंद्रा दादी भी सोचने लगी कि मेरे ससुर जी, यानी ब्रह्मा बाप दादा लेखराज, कितने विशाल दिल के हैं कि इतना सारा धन, जो आज की तारीख में वो 1,000 रुपया करीब 10-15 लाख बनता है, क्योंकि उस जमाने में आने आने में चीज़ें मिलती थीं, और उसने पुजारी को दे दिया। तो तब से उनकी बहू की नज़र में अपने ससुर जी बहुत बड़े हो गए, और वो जब यज्ञ में आई, अर्थात जब बाबा में शिव बाबा की प्रविष्टता हुई, तो ये उनका देखा हुआ अनुभव आने वाले सभी बच्चों को वो सुनाती थी कि हमारे ब्रह्मा बाप कैसे थे अज्ञान काल में, कैसे भक्ति करते थे, कैसे दान पुण्य करते थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि भक्ति भाव में भी ब्रह्मा बाप की इतनी विशालता थी। तो ज्ञान में आने के बाद और ऑलमाइटी बाप की प्रवेशता के बाद तो कितनी विशालता आ जाएगी ना। तो इसी कारण खुद भी ईष्ट रूप में अपने को अनुभव करते थे और अन्य बच्चों को भी उसी ऊंची नजर से देखते थे। इतनी विशालता थी कि ब्रह्मा बाप स्थूल तरीके से भी और सूक्ष्म रूप से भी बहुत विशाल दिल के थे। इसलिए एक-एक बच्चों को घी मक्खन की रोटी खिलाना, एक-एक बच्चों को बादाम पिस्ते की टोली खिलाना, एक-एक बच्चों को मलाईदार दूध पिलाना, इतना ध्यान रखते थे कि ये ठाकुर जी हैं, ये भविष्य की ईष्ट आत्माएं हैं, और बहुत आलीशान एक-एक बच्चों की पालना ब्रह्मा बाप ने की कि ये बेहद भविष्य नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। और जब भी कोई बच्चा सामने आता तो बाप कहता कि आप तो मेरे से भी आगे हो, बाप तो बूढ़ा है ना, देखो कितनी बड़ी उम्र का है, और आप तो बहुत जवान हो, तो आप पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाप से भी आगे जा सकते हैं। और जब वो बच्चे ये महावाक्य कहो या ये ऊंची नजर से देखने के वाक्य कहो, ये सुनकर इतने खुश हो जाते थे कि ब्रह्मा बाप हमको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, खुद कितना बेहद का पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं
कि हम उनसे भी आगे जा सकते हैं। तो ऐसी बेहद की नज़र एक-एक बच्चों पर ब्रह्मा बाप की थी, इसलिए ब्रह्मा बाप एक-एक बच्चों को बोलते समय भी यही सोच बोलते थे कि बच्चे आप तो क्या से क्या कर सकते हो, ब्रह्मा बाप को तो कितनी मेहनत लगती है, ब्रह्मा बाप को तो कितने झंझट हैं, ब्रह्मा बाप को तो कितनी आत्माओं का देखभाल करना पड़ता है, आप लोगों को तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ पुरुषार्थ करना है, मीठे बाबा को याद करना है। तो आप बेहद ब्रह्मा बाप से भी आगे चले जाएंगे। ऐसे ऐसे बोल ब्रह्मा बाप पूरा जीवन एक-एक बच्चों को बोलते रहे और उनमें नशा चढ़ाते रहे। तो ऐसे बेहद बाबा के बोल बेहद नेचुरल है कि संकल्प भी होंगे, तब तो ऐसे बोल निकलते हैं ना। और ऐसे ही स्थूल में भी उन्होंने बहुत ऊंची पालना दी, ऊंची नज़र से देखना कि ये एक-एक ईष्ट है, एक-एक ठाकुर हैं। तो बच्चों का एक-एक पालना कि बच्चों की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अच्छे अच्छे सफ़ेद परियों जैसे कपड़े में होने चाहिए, अच्छे अच्छी ड्रेस होनी चाहिए, और बच्चे आराम से मच्छरदानी के अंदर सोने चाहिए ताकि एक मच्छर भी मेरे ठाकुर को ना काट सके। कितनी विशालता, कितना बेहद का प्यार। तो ऐसे ब्रह्मा बाप ने एक-एक छोटे बच्चों की पालना की और ऐसे ही बड़े बच्चों की भी पालना की कि आप तो ब्रह्मा बाप से भी आगे जा सकते हैं। ऐसे ही मम्मा को वो लक्ष्मी के रूप में देखते थे कि ये आत्मा लक्ष्मी बनने वाली है, यानी स्वयं भी अपने ईष्ट स्वरूप के नशे में रहते थे और औरों को भी उनके ईष्ट रूप में देखते थे। ऐसे ब्रह्मा बाप विशालता को एक-एक आत्मा पर जैसे कि विशाल दिल से अपने दिल के बोल बोलते थे, दिल की नज़र से एक-एक को देखते थे। तो ये विशालता ने इस यज्ञ को कितना विशाल बना दिया। आज ब्रह्मा बाप की इतनी विशाल मोहब्बत कहो या उनका इतनी मेहनत इस यज्ञ के लिए कहो, उन्होंने एक-एक हड्डियाँ इस यज्ञ की विशालता को और चार चांद लगा दिया। आज देखो तो ये ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय कितनी बेहद तक को पाया हुआ है। ये ब्रह्मा बाप की विशालता का ही गुण था जो आज ये यज्ञ कितना फल फूल रहा है और एक बड़ा वट वृक्ष के रूप में बन गया है। तो अब हम सब ब्राह्मण बच्चों का भी कर्तव्य है कि जो ब्रह्मा बाप ने बोल बोले, जो ब्रह्मा बाप ने ऊंची विशालता के संकल्प किए और इतनी ऊंची विशालता के कर्म करके दिखाए, वो हम भी करके दिखाएं। क्योंकि अभी तो और भी बच्चे आएंगे ना, सब अपना हक लेने के लिए और सब अपना भविष्य वर्षे का अधिकार लेने के लिए आएंगे ना, तो हम भी मास्टर ब्रह्मा बनकर उसी विशालता के गुण को धारण करके एक-एक के प्रति विशाल संकल्प, विशाल बोल और विशाल कर्म करके दिखाएं ताकि हम ब्रह्मा बाप का रिटर्न कर सकें। वैसे तो ब्रह्मा बाप का रिटर्न नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तो किया ही जा सकता है ना कि जो उन्होंने सिखाया, हम उनके एक-एक कर्मों को फॉलो करते हुए उन जैसा बन के दिखाएं ताकि आने वाले बच्चों को या भाई बहनों को भी वही अनुभूति हो जो हमने ब्रह्मा बाप से की है। तो उनको भी ऐसा ही फीलिंग होनी चाहिए कि ब्रह्मा कहीं नहीं गए, अव्यक्त तो हैं ही
लेकिन साकार में भी हम सब बच्चों के रूप में नीचे ही हैं। तो हम सब साकार मास्टर ब्रह्मा बनकर वही पालना आने वाले भाई बहनों की करें, तब हम ब्रह्मा बाप का रिटर्न कुछ हद तक लौटा सकते हैं। नहीं तो बाप का रिटर्न तो कभी नहीं लौटाया जा सकता है, लेकिन राइट हैंड बनकर हम इतना तो कर सकते हैं ना। तो ऐसे हमें बेहदता अर्थात विशालता में रहकर ब्रह्मा बाप ने जो हमें सिखाया वो हम औरों को सिखाएं भी, और उसी रूप से हम पालना उनकी करने के निमित्त बने, क्योंकि हमें पूरे संगम युग पर एक-एक आत्मा को उतना ही सुख देना है जितना ब्रह्मा बाप ने अपने साकार समय में दिया। ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, अपने लिए भी और अन्य आत्माओं के लिए भी, ताकि वो भी अपने ईष्ट पद को, अपने ऊंचे देवताई पद को हासिल कर सकें। तब हम पूरे 33 करोड़ देवताएं तैयार हो जाएंगे और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, और हम सब बच्चे बाप दादा के साथ घर लौटेंगे। तो बोलो, ये पसंद है ना? तो ऐसी विशालता के गुण हमारे अंदर होने चाहिए। संकल्प में, बोल में, कर्म में, सब में विशालता ही विशालता ब्रह्मा बाप के समान। अच्छा, ओम शांति।